But it also said the child is the father of man. And this guy is the child in the film, and I'm the father. So he's much greater than I am. See, as Honey Singh, खुद में बहुत बड़े स्टार हैं, मतलब उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है. एंड कोइंसिडेंटली मेरा रिलेशन भी है और उन्होंने जितनी भी फिल्मों में भी म्यूज़िक दिया है और वो म्यूज़िक भी हमने ही रिलीज़ किया है. सो एक अच्छा रिलेशन बन गया और उसी के वजह से उन्होंने इस गाने को, आई थिंक मैंने उनको 10 दिन का टाइम दिया था गाना बनाने के लिए, 10 दिन में उन्होंने गाना डिलीवर किया. एक्चुअली काफ़ी दिनों से उनका नाम हम सुन रहे थे और उनका संगीत भी सुना हुआ था. इत्तेफाक की बात यह है कि जितना भी उनका संगीत है वो मेरे पोती पोते जो हैं वो मुझे बताते हैं, तो उनसे मैंने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा. और जब इन्होंने ये बात कही यो सिंह वाली, भूषण जी ने, तो मैंने कहा ऐसे कर लेना चाहिए. और बड़ा मुश्किल होता है ये सब करना हमारी उम्र में, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत ही सुंदर गाना था और बहुत सुंदर तरीके से इसे कंसीव किया गया था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको कर लेते हैं. मोस्ट मच्योर आर्टिस्ट विल नॉट बी एबल टू डू दैट इन देयर फिल्म्स, और स्पेशली फॉर समबडी लाइक हिम एट सच अ यंग एज टू बी गिविंग दोज इंस्प्रेशंस एंड टू बी सेइंग दोज थिंग्स एंड बिहेविंग द वे ही हैज. इवन अ मच्योर आर्टिस्ट, आई नेवर एवर हैड टू यू नो टेल हिम व्हाट टू डू. ऑन द कॉन्ट्ररी, आई वॉज लर्निंग फ्रॉम हिम एंड इज़ रियली रियली वेरी गुड. और बहुत बहुत बधाई मैं आपको देना चाहता हूँ पार्थ, बहुत बहुत बधाई. इनकी फिल्म अभी बर्लिन फिल्म फेस्टिवल गई थी, मराठी फिल्म, और इनको पुरस्कार भी दिया गया वहाँ पर, फिल्म को पुरस्कार मिला है. तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की ये अभिनय कर रहे हैं. अभी मैं 9th में हूँ, तो अगर अच्छा चांस बच्चन सर जैसे और भी दिग्गज लोगों के साथ अगर आया तो अगर 10th में मैं करूँगा, लेकिन अगर नहीं तो मैं 10th पे फोकस करूँगा और बाद में करूँगा.